अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्दी देसी कुकिंग। आज के वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। तो इसकी रेसिपी शेयर करने से पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब बटन के साथ का जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रहें। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमने 4 किलो गाजर ली थी, उसको हमने छोटा छोटा काट के हमने कीमे वाली मशीन में बारीक कर लिया था। अब इसको हम उबाल रहे हैं, पका रहे हैं। इस कीमे की मशीन में हमने इसको बारीक कर लिया, तो हम पका रहे हैं। इसमें हमने उबाल रहे हैं, इसमें हमने आधा किलो दूध शामिल किया था। अब पानी के खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। जो दूध शामिल किया था वो खुश्क हो रहा है और गाजरें भी गल रही हैं। 30 बादाम हम इसमें शामिल करेंगे, 5 इलायची शामिल करेंगे जिनको हमने खोल लिया है, 1 पाव खोया इस्तेमाल करेंगे, 4 चम्मच घी के इस्तेमाल करेंगे, 1/4 प्याली हम चीनी इस्तेमाल करेंगे। बादाम का छिलका उतारने के लिए हमने इसको गर्म पानी में शामिल किया। इसका दूध मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है, तो अब इसमें हम चीनी शामिल करेंगे। खोया घी इस्तेमाल करेंगे, घी डालेंगे। देसी घी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देसी घी नहीं है तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी अगर मौजूद नहीं तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी बजाय। ये बताओ कि इसको इतना भूनना है कि इसमें से ऑयल जो है ना ऊपर आ जाए, यानी कि इसकी भुनाई बहुत सारी करनी पड़ती है। इसको अच्छे से भूनेंगे कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। बहुत ज़्यादा भूनेंगे, इसको काफ़ी देर भूना है। अभी चिपकने लग गया है तो चम्मच को दबा के देख रहे हैं कि पानी तो नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत पानी आ रहा है। तो इसको 5 मिनट के लिए और इसको भूनेंगे ताकि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, साथ साथ हिलाते रहेंगे भूनते रहेंगे। Thank you.
पानी सूख चुका है मुकम्मल तौर पे, तैयार हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करें बादाम और डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो गाजर का हलवा तैयार हो चुका है, मैंने ट्राई किया है, बहुत मज़े का बना है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।